किसानों के 2 साल के बोनस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा पवन साहू ने वीडियो जारी कर भूपेश सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने बालोद को सौगात देने और किसानों के हित में घोषणा करने की मांग की है। वहीं भाजपा ने समय से पैसों का भुगतान नहीं होने पर भी चिंता जताई है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोटे नेता और बड़े नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को रट लिए हैं, भाजपा उनके घोषणा पत्र का क्रियान्वयन 15 सालों में क्यों नहीं कर पाई। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की बोनस को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भूपेश बघेल जी के कल आज बालोद में आगमन है और भेंट मुलाकात में आम जनता से मिली, बहुत अच्छा बात है, विकास के सौगात दे के जाए बालोद में। लेकिन किसान मन के ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुए के नाते पूछा था, पिछला 2 साल के रुके बोनस ला में हाँ सरकार बनी और बनते भार दे दो के का हो और का हो 2500 में एक गांव में धान खरीदू कह रहे हैं वो कर लिए थे, कई परत के मतलब रोवा रोवा के मतलब 4 किस्त में पैसा देता। ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता बड़े नेता जो कांग्रेस के घोषणा पत्र है उसको पूरा रट लिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं, उनके घोषणा पत्र का उन्हें क्रियान्वयन 15 साल में क्यों नहीं किया। उनकी घोषणा थी कि हम 1 रुपया का धान कीमत देंगे और लगातार 5 साल तक बोनस देंगे, तो उन्हें बोनस क्यों नहीं दिया ये तो उनसे पूछना चाहिए। तो किसानों के साथ धोखा करने वाले, महिलाओं के साथ धोखा करने वाले, आदिवासियों को धोखा देने वाले ये इस राज्य में नहीं रह सकते।